Hello everyone. Due to some problems, I have not completed question number 44. So I am going to discuss with you question number 44 again. So in question number 44, we have read out that Sarita purchased biscuit amount 105.60. She purchased bread amount 19.75. She purchased juice tin 20.28.65 and toffees 4 rupees 8.80. तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया है वो हम ऐड कर रहे थे. तो यहाँ तक हमने कर लिया था 5 5 10 0, 1 कैरी गया, 6 7 13, 13 and 6 19 19 and 8 27 and 1 28, 2 कैरी गया, 5 and 9 14 14 and 8 22 22 and 8 30 and 2 32, 3 कैरी गया, 2 और 1 3 3 और 3 6, 1 कैरी गया, 2 और 1 3 और 1 4. इट मीन्स 462.80 का उसने सामान परचेज किया है. नाउ शी गेव मनी टू शॉपकीपर. ₹500 का नोट दिया था उसने एंड शी परचेस्ड आइटम्स वर्थ इक्वल्स टू 462.80. अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे रखी तो यहाँ भी हमें 00 लगाना पड़ेगा. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, शी विल गेट मनी, शी will get money back equals to 0 से 0 हो गया तो 0 ही आ जाएगा. यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10. यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10. यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10. तो अब 10 में से 8 जाएगा तो आएगा 2, उसके बाद 9 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3 एंड 4 में से 4 जाएगा तो 0. इट मीन्स 37.20 पैसे उसे वापस मिलेंगे शॉपकीपर से. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ क्रिकेट बैट कॉस्ट ₹376.65. इट मीन्स एक क्रिकेट बैट की कॉस्ट हमें दे रखी है और क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 सच बैट्स. इट मीन्स एक बैट की कॉस्ट दी हुई है और हमें निकालनी है 35 बैट्स की कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बैट इक्वल्स टू ₹376.65. उसके बाद हमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 35 क्रिकेट बैट्स equals to 376.65 into 35. तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप खुद से लिखेंगे. ओके, अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर आपको टैली करवा दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46. राहुल बॉट 7 चॉकलेट्स फॉर ₹68.25. 7 चॉकलेट की कॉस्ट दे रखी है हमें. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट. इसमें आपको डिवाइड करना है बिकॉज आपको इसमें मैनी से 1 की कॉस्ट निकालनी है. सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 चॉकलेट्स इक्वल्स टू 68.25. उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इक्वल्स टू 68.25 डिवाइडेड बाई 7. तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 68.25 दे रखा है. 7 के टेबल को इतने टाइम्स पढ़े कि 68 से ज़्यादा ना हो, तो कितना आना चाहिए, 7 9 63. माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, क्योंकि हम पॉइंट के बाद वाला नंबर यहाँ ले रहे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा. उसके बाद 7 7 49, माइनस करेंगे 3 बचा और इस 5 को भी नीचे ले लेंगे. अब 7 5 35, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा, तो
एक चॉकलेट की जो कॉस्ट यहाँ पे आई है वो आई है हमारे पास ₹9.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज। चेंज 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर इंटू मीटर्स। देखिए मैंने सभी क्वेश्चन में आपको क्या किया है, आपको पहले से ही बता दिया है कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, 2 हेक्टोमीटर है, 2 हेक्टोमीटर को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 × 100, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ पे हेक्टोमीटर नहीं, इट इज़ ऑलरेडी कन्वर्टेड इंटू मीटर्स, हम यहाँ पे मीटर बताएंगे। प्लस 3 डेकामीटर है और 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर है, तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी अब हमें मीटर लिखना है। नाउ दे आर 200 मीटर प्लस 30 मीटर, सो टोटल हो गया आपका 230 मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मीटर 56 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीमीटर, तो जो मीटर में दे रखा है उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिलीमीटर तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 × 1000 मिलीमीटर प्लस 56 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 8000 मिलीमीटर प्लस 56 मिलीमीटर इक्वल्स टू 8056 मिलीमीटर। ठीक है, वैसे ही देखिए मैंने आपको यहाँ पे 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg होता है, सो 3 क्विंटल्स और 65 kg को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 किलोलीटर 5 लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, और हिंट मैंने आपको दे ही रखा है 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, तो ये भी आप खुद से करेंगे। इसका ई और एफ पार्ट भी देख लीजिए, लीटर और मिली मिली लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और 12 kg और ग्राम को आपको ग्राम में चेंज करना है, सो हिंट इज हियर ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज। अब चेंज क्या करना है, 5530 मिलीमीटर को मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो अब इस देखिए इसे हमें कैसे करना है, तो पहले 1000 वालों को अलग कर लेते हैं, इट मीन्स हम इसको कर लेंगे 5000 + 530, अभी ये भी मिलीमीटर में है और ये भी मिलीमीटर में है, तो जब हम इस 5000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, प्लस 530 को जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 0, 3, 0 से कैंसिल आउट हो गया एंड 1, 0, 1, 0 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका टोटल कितना, यहाँ पर ये मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर। ओके ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2685 मिलीलीटर इंटू लीटर एंड मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को तो मिलीलीटर में ही रखेंगे, 1 लीटर मिलीलीटर को कॉस्ट होता है 1/1000 लीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2000 + 685 मिलीलीटर, ये भी अभी पूरा मिलीलीटर में, आप 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में सॉरी लीटर में हो जाएगा, और प्लस 685 मिलीलीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3, 0 से 3, 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 लीटर एंड 685 मिलीलीटर। तो इन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं, बाकी का सी और डी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तब फिर मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इट्स वेरी इजी, मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, मींस अरेंज कर दिया है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऐसे आपको बी वाला करना है और सी वाला करना है, उसके बाद डी वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 मैंने डॉटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप देख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51
एन इलेक्ट्रीशियन बॉट 500 meters ऑफ वायर, एक इलेक्ट्रीशियन ने 500 मीटर वायर लिया है, ही सोल्ड 43.75 सेंटीमीटर ऑफ द वायर टू वन कस्टमर एंड 158 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ एट टू अनदर कस्टमर, यानी कि उसने उसमें से दो पार्ट किए हैं और उसने दो कस्टमर्स को वो बेच दिया है. वट लेंथ ऑफ द वायर इज नाउ लेफ्ट विथ हिम, तो अब उसके पास कितनी वायर बची हुई है वो हमें निकालना है. तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे एन इलेक्ट्रिशियन बॉट वायर, फाइव हंड्रेड मीटर. उसके बाद ही सोल्ड वायर टू वन कस्टमर, उसने टोटल कितना वायर सेल किया है, 43 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 43 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. उसके बाद आएगा ही सोल्ड वायर टू सेकेंड कस्टमर, कितना सेल किया है वो हम बुक में देख लेते हैं, 158 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 158 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. इनको प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका टोटल वायर सोल्ड. इक्वल्स टू 5 0 5 7 5 12, 1 कैरी गया, 6 and 3 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी गया, 5 4 9 और 1 10, 1 कैरी गया, 2 200 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. अब लिखेंगे वायर लेफ्ट विद शॉपकीपर. फाइव हंड्रेड मीटर माइनस 200 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल.